गुड मॉर्निंग पिलामने, आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहर राजनीति विज्ञान विभाग तृतीय अध्याय भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट विषय पढ़वा। पूर्व श्रेणी आम आलोचना करुले केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था संपर्क आलोचना करुले। आज आम पढ़वा आम प्रस्तावन जाणीचु जो आम भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सिकुलर स्टेट। धर्मनिरपेक्ष मान भी तुमको से आलोचन कही भारत में कौन सी निजर राष्ट्रीय धर्म नहाँ केवल हिंदू लोक रोना केवल मुसलमान लोक रोना केवल सिख लोक रोना ख्रीस्टियन लोक केवल रोना बौद्ध रोना जैन रोना आम भारत में सब धर्म लोक बसवास स्वच्छंद भाव में निजर हिसाब से तो आम देश में विभिन्न धर्म लोक बास करती से जेकोसी धर्म ग्रहण करना तार प्रचार और प्रसार मध्य करती कौन सी आमर माने आईन ना जे जन चाहिए निज धर्म प्रचार प्रसार करना तेणु भारत जेहेतु कौन राष्ट्र धर्म ना सब धर्म को सम्मान दौचे तेणु जड़े निज इच्छा निज धर्म ग्रहण करने सहित चाहिए प्रचार और प्रसार मध्य कर। तो भारत संविधान मौलिक अधिकार आमर 25 धारा 28 धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जाइए आम संविधान 25 धारा 28 धारा मध्य कौन अच्छी ना धर्मगत अधिकार तुम्हें आप आलोचना कर आम मौलिक अधिकार छटी अच्छी ताकि धर्मगत अधिकार जोटा कि आम 25 धारा 28 धारा भितर अच्छी धर्मगत अधिकार किंतु 1976 मसीहारे आमर 42वां संशोधन आईन अनुसार संविधान प्रस्तावना हिसाब से भारत को आम पूर्व श्रेणी भी कहते 1976 मसीहारे आमर भारत 42वां संविधान अनुसार भारत धर्म आमर जो प्रस्तावना रे तीनो शब्द लेखागला धर्मनिरपेक्ष समाजवादी आउ सहमति से कथा मुझे आउ थे आलोचना करी। 25 धारा 28 धारा भितर धर्मगत अधिकार रहा कि 1976 मसीहारे आमर 42वां आईन संशोधन हिसाब से संविधान प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हिसाब से घोषणा करागला 1976 मसीहारे बयालीसतम संशोधन आईन आईन हिसाब रे संविधान प्रस्तावना रे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हिसाब से घोषणा कर धर्मनिरपेक्ष जेहेतु करागला जड़े चाहिए कौन सी गोटे लोक धर्म को विरोध करना विरोधाचरण कले दंड आईन समत से दंड हम कहना संविधान प्रस्तावना हिसाब से भारत को धीर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली घोषणा करागला तेणु राष्ट्र कौन सी धर्म को आम धर्म विरोध करना जड़े चाहिए निज इच्छा हिसाब से धर्म ग्रहण कर धर्म प्रचार प्रचार प्रसार कर भारत निजर कौन सी राष्ट्रीय धर्म ना तापर आम पढ़ा मौलिक अधिकार संपर्क मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स निहाती भाव में वर्तमान आधुनिक गणतांत्रिक राष्ट्र जनसाधारण हिसाब से मुझ तुमको प्रस्तावना जो पढ़ाऊ
ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ସହମତି ପାଇଁକିନା ଉତ୍ସାହିତ କରାହେବ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁକିନା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମର ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ 12 ଧାରାରୁ 35 ଧାରାରେ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ମାନେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୌଳିକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମୌଳିକ। ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତେବେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବାର ଧାରା ଠାରୁ 35 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ସାତଟି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1978 44ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ବିଧାନରୁ କଟାଯାଇକିନା ତାକୁ ଆଇନ ଅଧିକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ତ 1978 କ'ଣ ହେଲା 44ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନରୁ କାଟିକିନା ପୃଥକ କରା ହେଇଗଲା କରିକି ତାକୁ କେଉଁଠି ପୁରା ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କାଟିକିନା ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟାକୁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ କେତେଟା ଆମର ରହିଲା 7 ଗୋଟି ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଗୋଟେ କାଟି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକିନା ଆମର ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 6ଟି ଅଧିକାର କ'ଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସମାନତା ଅଧିକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ RIGST ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି।
तापरे स्वाधीनता समानता माने समस्त को भेदभाव रखा जीवनी भारत रे जेते जण रहउछन समस्ते समान उंच नीच जाति वर्ण ए सब भेदभाव रहइबो नहि। तापरे स्वाधीनता अधिकार जेहेतु आम स्वाधीन भारत नागरिक तेणु आम भितर आम जहाँ करवाक इच्छा आम आईन सम्मत आम भितर स्वाधीनता अच्छे जे आम निश्चित रूपे आम कर्तव्य आम जहाँ चाहिए निज इच्छा कर स्वाधीनता अधिकार। राइट टू फ्रीडम तापरे शोषण विरुद्ध अधिकार तुमको जदि किए कौन हरास करे ताले कि शोषण करे ताले तुम्हें चाहिए ना तुम जेहेतु शोषण विरुद्ध अधिकार अच्छे तुम्हें चाहिए विरुद्ध न्यायालय ठिया हो पार लिंगगत वैषमता कि जेकोसी शोषण तुम सागर हुए शोषण विरुद्ध अधिकार जहाँ को कहते राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन राइट एगेन्स्ट आउ कौन ना धर्मगत स्वाधीनता अधिकार जेहेतु तुम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जन जन नागरिक तेणु तुमको धर्मगत स्वाधीनता अच्छी धर्मगत स्वाधीनता अधिकार राइट टू फ्रीडम रिलीजन आउ कौन सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आउ सभा लास्ट अधिकार हूँ सांविधानिक प्रतिकार अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये हला आमर छ गोटी मौलिक अधिकार जिकि जहाँकि सब भारतीय नागरिक मानी कि ना मान भारतीय नागरिक ताकू चाहिए अधिक रूप उपभोग करें तो उक्त मौलिक अधिकार गुड़िक देशर स्वार्थ दृष्टि केतक समय नियंत्रित हो पाए मानने प्रकृत अर्थ देखिए गले आम मैंने पांचटी अधिकार को ही उपभोग समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार शोषण विरुद्ध अधिकार धर्मगत स्वाधीनता अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार को आम प्रकृत पक्ष गले उपभोग जदि कौन परिस्थिति रे आमर सरकार हूँ बा कौन व्यक्ति विशेष हूँ जदि आम पांचटी अधिकार को कहीं भी आम सागर उल्लंघन कै तेब आम चाहिए आमर ये जो षष्ठ अधिकारटी अच्छे सांविधानिक प्रतिकार अधिकार तार द्वारस्थ आम हो पार यही अधिकारटी को आम उपभोग कै जदि आम पांचटी अधिकार को किए क्षुण्ण कै आम सांविधानिक प्रतिकार अधिकार को द्वारस्थ हाँ ताने कौन ना आम चाहिए आम जो दुई प्रकार न्यायालय अच्छे सर्वोच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट आ उच्च न्यायालय व हाईकोर्ट आम मैंने चाहिए द्वारस्थ हो पार
तेणु आम मैंने प्रकृत में कह गले पांचटी अधिकार को उपभोग करुचे जदि यही पांचटी अधिकार को किए उल्लंघन कै तेब आम सांविधानिक प्रतिकार अधिकार को आम भागीदार बनपर तो 2002 मसीह आमर संविधान संशोधन आईन हिसाब से 22 धारा आमर कौन है ना 6-14 वर्ष पिला मानू समस्त शिशु को 6 जो मैंने जार बयस सीमा 6-14 जाए होमु निवर में मागणा आ बाध्यतामूलक शिक्षा मानने गोटे मौलिक अधिकार एक अंश बोली ग्रहण करेंगे मानने मौलिक अधिकार रखाई जे कौ धारा हिसाब से ना 2002 मसीह आम संविधान संशोधन आईन रे कौन है 22 धारा रे कौन करागला ना 6-14 वर्ष पिला कौन करेंगे ना मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दिजा ये गोटे अधिकार तर तेणु 6-14 वर्ष कम पिलाद आम धर तुम देखु जी जे होटेल होणी हो जेकोसी पाठ न पढ़ी कम कर अर्थ रोजगार कहीं भी नियोजित करेर यही मौलिक अधिकार उल्लंघन मानने हिसाब से जड़े दंडविधान तेणु 6-14 वर्ष पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करे गोटे मौलिक अधिकार ये थिला आमर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मौलिक अधिकार संपर्क संपूर्ण विवरणी परवर्ती श्रेणी में आम पढ़ा राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति धन्यवाद।